धार जिले की धर्मपुरी उप जेल में बंद विचाराधीन और बंदियों की कोरोना की जांच की गई। जांच के बाद सभी को कोविड वैक्सीन लगाई। गौरतलब है कि उप जेल में कोविड टेस्ट में सभी नेगेटिव पाए गए। फिलहाल धर्मपुरी उप जेल में 88 कैदी हैं, जिनमें से 78 विचाराधीन और 10 बंदी शामिल हैं। कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन ने जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी कोविड टेस्ट करवाए, जिसमें सभी कैदी टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। सभी कैदियों को कोविड से बचाव के लिए कोविशील्ड का प्रथम डोज लगाया गया, दूसरा डोज 84 दिन बाद लगेगा। स्वास्थ्य विभाग कोविड जांच टीम में डॉक्टर नरेंद्र नरगेश, डॉक्टर प्रीतेश जायसवाल, डॉक्टर धीरज पाटीदार, CHO डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर संतोष मुकाती और वैक्सीनेशन टीम में डॉक्टर मुकेश मेड़ा, ANM प्रतिभा शर्मा और मदनलाल चौबे थे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। वर्तमान में 88 बंदी हैं जेल पर, जिसमें 10 दंडित हैं और 78 अंडर ट्रायल बंदी हैं। सभी की सैंपलिंग की गई पहले, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद में सभी को कोविड वैक्सीन किया गया। सभी वर्तमान में स्वस्थ है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस समय आए थे साहब, आए थे, उन्होंने देखा सभी को। जी, आज सब जेल में आए हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था और जिनका वैक्सीनेशन होना था, 88 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया यहाँ पे। और वैक्सीनेशन से पहले हमने उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया और जिसमें सारे लोग नेगेटिव पाए गए, सारे स्वस्थ कैदी हैं और सभी को आज कोविड वैक्सीन लगाया गया है। अगला डोज इनका 84 दिन बाद होगा।